हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदिस कुकिंग। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है पनीर। टमाटर को मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है, आप चाहें तो इसके बारीक टुकड़े भी कर सकते हैं। प्याज, दही, लहसुन, नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, हरा धनिया, खड़े मसालों में 2 लौंग, 2 इलायची, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा और 1 तेज पत्ता। अब एक पैन में हम 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करने रख देते हैं, जाएगा। उसके बाद में हम उसमें खड़े मसाले और प्याज डाल देंगे। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे तब हम उसमें लहसुन डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करके प्याज और लहसुन को ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। नेन एंड गार्लिक अब ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें टोमेटो का जो मैंने प्यूरी बनाई थी वो डाल दूंगी और इसको मिक्स करके इसको अच्छे से सौते होने देंगे। टमाटर जब अच्छे से कुक हो जाएंगे और ऑयल रिलीज कर देंगे तब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको भी कुक होने देंगे। दही जब अच्छे से कुक हो जाएगा और तेल रिलीज कर देगा तब हम इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम सौते होने देंगे। अब सब्जी ने अच्छे से तेल रिलीज कर दिया है, तो अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूंगी और कसूरी मेथी, और 1 मिनट के लिए हम सौते कर लेंगे इसको। और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको कुक होने देंगे। अगर आप चाहें तो पनीर को तल के भी डाल सकते हैं। ऑयल अच्छे से रिलीज कर दी है सब्जी ने, तो अब मैं इसमें लास्ट में धनिया मिक्स कर दूंगी और अब ये हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसके वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।